मुद्दा, किस लिए आप रैली निकाल रहे हैं? समयक मूल मोर्चा एक सामाजिक मोर्चा है, इसके तहत बैकवर्ड जन आंदोलन हो रहा है। हम लोग आरक्षण यात्रा, अखंड भारत का मोटरसाइकिल जुलूस, इलाहाबाद यानी प्रयागराज जनपद के विभिन्न भागों से लेकर आए हैं ज्ञापन देने के लिए, जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, भारत सरकार को हम लोग 8 सूत्रीय ज्ञापन दे रहे हैं। ये मुख्यतया सभी जाति वर्गों को आबादी के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी दिया जाए, यह आरक्षण हिस्सेदारी का आंदोलन है और इसको लेकर के हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। क्या नाम है आपका? मैं धर्म गुरु अशोकानंद मिर्जापुर। जी, हमारे बीच में ACM1 जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, हमारा ज्ञापन लेने के लिए आए हैं। हमारा ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार को ज्ञापित है, क्योंकि हम लोग बैकवर्ड जन आंदोलन के तहत आरक्षण यात्रा, अखंड भारत का जुलूस लेकर के यहाँ पर 8 सूत्रीय ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग है, साथियों, जनपदवासियों और प्रशासन के लोग, सभी लोग सुने। पहली हमारी मांग है कि सभी जात वर्गों को आबादी के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी यानी आरक्षण दिया जाए। शिक्षा, सर्विस, विधायिका, न्यायपालिका आदि सभी क्षेत्रों में हमारी प्रतिनिधित्व दिया जाए और OBC जातियों की जातिवार जनगणना कराई जाए, ताकि हमारी संख्या इस देश में मालूम हो सके। साथियों, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इस देश में गाय और भैंस की, जानवरों की गणना होती है लेकिन हमारी नहीं होती है। इसके साथ ही हमारी दूसरी मांग है कि सभी भूमिहीन गरीब परिवारों को 5-5 बीघे जमीन अलाट किए जाएं, जिस पर 20% पे वे बगीचा लगावें और 80% पे मकान बनाने व खेती करने का काम करें, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा, प्राकृतिक संतुलन होगा, गरीबों को निवास करने के लिए अपने ही देश में जमीन मिलेगी। साथियों, अगला हमारी मांग है कि OBC जातियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए बैकवर्ड एक्ट बनाकर पूरे देश में लागू किया जाए, ताकि पिछड़ों को भी कानूनी सुरक्षा और सम्मान मिल सके। हम लोग परहेज करते हैं। साथियों, अगली मांग है कि SC ST की प्रमोशन में आरक्षण पुनः बहाल किया जाए और SC ST एक्ट को अपने मूल रूप में पुनः बहाल किया जाए। किसान आय आयोग का गठन हो, ताकि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके। और महत्वपूर्ण एक और मांग है कि भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में OBC, SC, ST माइनॉरिटी का भी उचित प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत अफसोस, ST की प्रतिनिधित्व नहीं है, नहीं के बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये न्याय संगत व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हमें न्याय नहीं मिलता है। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित करने का कष्ट करेंगे, इसकी फॉरवर्डिंग लेटर की एक कॉपी हमें भी मुहैया करने का कष्ट करेंगे। जी, फोटोग्राफर लोग ले लें।